पश्चिम बंगाल में जो मां माटी मानुष की बात करती थी, वहां भारत मां के विरुद्ध खड़ी हुई शक्तियां प्रबल, माटी खून से सनी हुई और मनुष्यता पूरी तरीके से व्यथित और कलंकित नजर आ रही है, उसके बाद भी किसी विपक्षी दल को इसके लोकतंत्र में कोई समस्या नजर नहीं आ रही। अतः हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं और साथ ही साथ यह कहना चाहते हैं कि उनको अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन करना चाहिए और राज्य के चुनाव आयोग, जो कि अपने संवैधानिक दायित्व का नैतिक और संवैधानिक दृष्टि से अपेक्षित निर्वहन नहीं कर रहा है, उनको भी अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के हौसले का हम सम्मान और अभिवादन करते हैं। धन्यवाद। देखिए, चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और आप सभी को विदित है कि चुनाव की प्रक्रिया के समय चुनाव आयोग के ही निर्णय सर्वोपरि होते हैं। इसीलिए मैंने चुनाव आयोग यानी राज्य के चुनाव आयोग को से यह अपेक्षा की है कि वो अपने संवैधानिक दायित्व का नैतिकता के साथ पालन करें। संयोग से साथ में बिहार के प्रवक्ता बैठे हैं तो मैं चाहूंगा कि उसका उत्तर ये दें। नहीं देखिए, हमें ये समझने की आवश्यकता है, आज बिहार में जो महागठबंधन का स्वरूप है वो शुद्ध रूप से पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, गरीब विरोधी है, शोषित विरोधी है। आखिर क्या कारण है कि इन्हीं नीतीश कुमार जी के साथ उपेंद्र कुशवाहा जी, उनके स्वाभिमान के साथ समझौता हो रहा था, जीतन राम मांझी जी मूसर समाज से आते हैं, महादलित समाज से आते हैं, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा था? ये महागठबंधन का असल चाल चेहरा और चरित्र है। जो नीतीश कुमार जी आजकल दिल्ली का दौरा लगा रहे हैं, आप बिहार में तो अपनी सरकार को संभाल के रख नहीं पा रहे हैं। India's number one political reporter defines what seems to be happening, vendetta politics. Koi doodh ke se dhula hua nahi hai. Unmatched eye, unmatched experience. The world has changed. My black hair has become grey as well. And with unmatched passion for the story. Do not monopolize the conversation. When it's 100% news that matters, it's News Today with Rajdeep Sardesai, Monday to Friday, 9 p.m. Only on India Today TV.